नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स कार्ड पे। और आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो पहला चैप्टर था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, इसके लास्ट टॉपिक की जो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। तो आइए शुरू करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, सबसे पहले इस सिचुएशन को समझिए जिस सिचुएशन में हम किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी देंगे। दोस्तों सिचुएशन समझिए कुछ ऐसा कि कोई एक पर्सन है ए, सपोज लीजिए मैं ही ए हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं, अकाउंट्स पढ़ाता हूं। मेरे ही कोचिंग में मेरे साथ एक और पार्टनर है बी, जो कि क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते। हम दोनों अपना पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे थे। अब बिजनेस करने के दौरान हमने क्या देखा कि कई बार कोई बच्चा इको पढ़ने किसी और कोचिंग में जा रहा है और उसे उसी कोचिंग में अकाउंट्स की क्लास भी मिल जा रही है, मैथ्स की क्लास भी मिल जा रही है, तो बच्चा बार बार कोचिंग चेंज नहीं करना चाह रहा है, तो वो सारे सब्जेक्ट वहीं पर पढ़ने लग जा रहा है। इस इको के कारण हमारा बिजनेस क्या हो रहा था, अफेक्ट हो रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने साथ एक टीचर है सी जो कि इको पढ़ाते हैं उन्हें भी मिला लिया जाए अपने साथ। अब मैं और टीचर बी गए, हम दोनों मिलके सी के पास, और हमने उनसे कहा कि सर ऐसा है, हमारा एक छोटा सा कोचिंग सेंटर है, हम चाहते हैं कि आप भी एज पार्टनर हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर लो। और ये सी अब तक क्या कर रहे थे, ये घर पे ही पढ़ाते थे अपने बच्चों को। तो सी ने हमसे क्या कहा कि देखिए आप लोगों का कोचिंग तो अभी नया है, ज्यादा बच्चे भी नहीं हैं, और मैं घर पे ही पढ़ा करके महीने में 10,000 रुपये कमा लेता हूँ, घर पे ही पढ़ा के मैं इतना कमा लेता हूँ, तो मैं क्यों आप लोगों के साथ ज्वाइन करूँ आपके नए कोचिंग में जहां कि मुझे इतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। दोस्तों वो भी अपनी जगह सही है और हम भी अपनी जगह सही हैं। अब इस सिचुएशन में हमें यदि लगता है कि नहीं, इन सी के आने से हमारे बिजनेस का ग्रोथ इतना हो जाएगा कि हम लोग भी ज्यादा अर्न कर लेंगे और सी के लिए भी बेनिफिशियल है, तो इस केस में क्या हो सकता है कि हम दोनों ने सी को हम ये कह सकते हैं कि ठीक है सर कोई बात नहीं, आप महीना कितना अर्न कर रहे हैं अभी, 10,000 हमारे यहां आइए, हम इस 10,000 की तो आपको गारंटी देते हैं, यानी कि किसी भी साल या किसी भी मंथ जो भी टर्म कंडीशन होगा आपका जो मिनिमम प्रॉफिट होगा वो कम से कम कितना होगा, 10,000 होगा। 10,000 से ज्यादा हो तो वो आपका है, लेकिन अगर 10,000 से कम हमारे बिजनेस का प्रॉफिट होता है तो हम आपको ये इंश्योर करते हैं कि आपको कम से कम 10,000 रुपए जरूर मिलेंगे। अब सी ज्वाइन कर सकता है, क्यों, क्योंकि सी को जो नुकसान होता नए कोचिंग के साथ ज्वाइन करने में वो नुकसान यहां पे गारंटी कर दिया गया है कि ये नुकसान आपको हम नहीं होने देंगे। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू पार्टनर। अब देखिए दोस्तों ये गारंटी कौन दे सकता है, तो तीन सिचुएशन हो सकते हैं। जब मैं और बी जो भी सर हैं वो बैठे थे और सी ने हमारे सामने ये बात कही कि मैं अभी घर पे ही 10,000 कमा लेता हूं, तो मैंने तुरंत बोला कि सर यदि किसी भी महीने आपको 10,000 से कम प्रॉफिट मिलता है तो रेस्ट अमाउंट मैं अपने पास से बियर करूंगा, यानी कि गारंटी किसने दी, मैंने। तो पहला सिचुएशन यही बनता है, गारंटी इज गिवन बाय एनी वन पार्टनर, गारंटी इज गिवन बाय एनी वन पार्टनर।
एक सिचुएशन हो सकता है कि मैंने नहीं दी गारंटी, लेकिन मैंने और जो बी है उन दोनों ने मिलकर कहा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कम से कम 10,000 रुपये हर महीने के मिलेंगे। यानी कि यहां पे गारंटी किसने दी? इस सिचुएशन को हम कहते हैं गारंटी इज गिवन बाय फर्म, गारंटी इज गिवन बाय फर्म। और एक सिचुएशन हो सकता है कि जैसे ही सी ने ये बात कही हमसे कि मुझे कम से कम 10,000 तो घर पे बैठ के ही मिल रहा है, मुझे बी जो है वो साइड में ले गए और उन्होंने कहा कि सर ये जरूरी तो है हमारे लिए कि ये टीचर हमारे साथ ज्वाइन करें। लेकिन सर एक और सिचुएशन है कि मैं हूं शादीशुदा और मैं अभी ही घर खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं अब बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट इस गारंटी में नहीं कर सकता हूं, आप अकेले हैं आप उस दिन कंट्रीब्यूट कीजिए। यानी कि गारंटी तो हम दोनों पार्टनर देंगे, लेकिन जो रेशियो होगा वो हम पहले से तय कर लें कि गारंटी में यदि कोई डेफिशिएंसी रह जाती है तो हम किस रेशियो में उसको बेयर करेंगे। तो एक तीसरा सिचुएशन होता है, वो होता है गारंटी इज गिवन बाय पार्टनर्स इन प्री डिटरमाइंड रेशियो। यानी कि इन्होंने तय कर लिया है कि हम अपने प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में बियर करें। ये तीन सिचुएशन है गारंटी की, और इन तीनों सिचुएशन में कैसे बात की जाती है ये देखते हैं। यदि गारंटी किसने दी है? किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी है, तो यदि कोई डेफिशिएंसी होती है तो उस सिचुएशन में वो डेफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ वही पार्टनर बियर करेगा। ठीक है, यदि कोई डेफिशिएंसी होती है तो ये डेफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ वही पार्टनर बियर करेगा जिसने ये गारंटी दी है। जैसे इस सिचुएशन में बात कीजिए, मैंने अगर गारंटी दी थी, मैंने कहा था कि मैं आपको दूंगा, तो यदि कोई डेफिशिएंसी होगी तो सिर्फ और सिर्फ किसके अकाउंट से वो डिडक्ट होगा? मेरे पर्सनल से। दूसरा सिचुएशन है गारंटी इज गिवन बाय फर्म। यहां क्या है कि किसी एक पार्टनर ने गारंटी नहीं दी है, हम दोनों ने यानी कि मैंने और बी ने दोनों ने मिलकर गारंटी दी थी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? यदि कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो डेफिशिएंसी बाकी सारे पार्टनर बियर करेंगे, बाकी सारे मतलब जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसके अलावा, ऑल अदर पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में बियर करेंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और तीसरा सिचुएशन था कि गारंटी इज गिवन बाय पार्टनर्स इन प्री डिटरमाइंड रेशियो, मतलब इन्होंने रेशियो पहले ही तय कर लिया है, तो डेफिशिएंसी भी यदि कोई होता है वो किस रेशियो में हम बियर करेंगे? उसी रेशियो में जो हमने तय किया है। ठीक है, हो सकता है किसी पार्टनर की कोई जरूरत हो, वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए डेफिशिएंसी में, तो हमने पहले ही तय कर लिया कोई और रेशियो। कुछ तय नहीं है तो ऑल अदर पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यदि किसी एक पार्टनर ने गारंटी ली है तो यदि कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो डेफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ वही पार्टनर बियर करेगा। ठीक है दोस्तों, ये तीन सिचुएशन है। आपको क्वेश्चन में बिल्कुल गौर से दो बार इंश्योर कर लीजिए कि गारंटी किसने दी है,
किसे दी है, और एक चीज और माइंड में बिठा लीजिए कि ये गारंटी मिनिमम प्रॉफिट की होती है। यदि उस पार्टनर का प्रॉफिट का पोर्शन उस मिनिमम अमाउंट ऑफ गारंटी से ज्यादा है तो वो ज्यादा अमाउंट उसे मिलेगा। कम से कम ये इंश्योर करते हैं कि इतना मिलेगा, इससे ज्यादा यदि उसके हक में जा रहा है तो बिल्कुल वेल एंड गुड, किसी को डेफिशिएंसी बॉन्ड करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसे मिलेगा वो अमाउंट जो उसके हक का है। ठीक है, आइए हम एक आध क्वेश्चन करते हैं और फिर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। टीएस अग्रवाल में क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन आपके सामने रख दूं। वो क्वेश्चन कुछ यूं है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट्स एंड रेशियो इज 2:1। ए बी और सी तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। आगे कह रहा है क्वेश्चन, हाउएवर सी इज गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। सी को हमने गारंटी दी हुई है कि जो प्रॉफिट होगा सी का वो 10,000 पर ईयर होगा मिनिमम। ठीक है, आगे कह रहा है, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट शैल बी मेट बाय बी। अगर कोई डेफिशिएंसी रह जाती है इस अमाउंट में 10,000 में, सेल मेट बाय बी, मतलब ये गारंटी किसने दी है? गारंटी दी है सिर्फ बी ने। सिचुएशन वन है यहां पे, गारंटी इज गिवन बाय एनी वन पार्टनर। द प्रॉफिट फॉर द टू ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 एंड 2010 ईयर, देखिए दो साल का प्रॉफिट गिवन है, 31 मार्च 2009 और 31 मार्च 2010, और ये प्रॉफिट गिवन है हमारा 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द टू ईयर्स। आपको दो सालों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्लियर है, सबके सामने क्लियर है? एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, इस दो साल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, मतलब हमें दो अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे इस सिचुएशन में। ठीक है, शुरू करें। आइए, गारंटी किसे मिली है? गारंटी मिली है सी को। किसके द्वारा मिली है? बी के द्वारा। कि मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा सी का किसी भी पर्टिकुलर ईयर में? 10,000 ये मिनिमम प्रॉफिट है, इसे हम इंश्योर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं साल 2009 के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2000। चलिए 2009 में हमारा प्रॉफिट कितना था? 2009 में जो हमारा प्रॉफिट है वो है 40,000। तो सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करके लाते हैं प्रॉफिट को। टू प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा है नेट प्रॉफिट, और कितना है ये 40,000। अब इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे हम पार्टनर्स में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी। प्रॉफिट था 40,000 का, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इस क्वेश्चन में वो है 2:1। 2:1। तो सबसे पहले आप नॉर्मली इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पार्टनर्स के बीच में, 40,000 रुपए को 2:1 में। तो मेरे ख्याल से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 40,000 को
16,000 ए और बी को और 8,000 सी को, ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब चेक कीजिए हमने किसे गारंटी दी थी, हमने गारंटी दी थी इस सी को, कितने की, कि सी का जो मिनिमम प्रॉफिट होगा वो कम से कम हर साल कितना होगा, 10,000 रुपए होगा। और ये गारंटी किसके द्वारा दी गई थी, बी के द्वारा। क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। सी के मिनिमम गारंटी में डेफिशिएंसी रह गई है कितने की, 2000 की, क्योंकि 10,000 की गारंटी थी और उसे मिल कितना पा रहा है, सिर्फ 8,000 रुपये। तो अब ये 2000 रुपये इसे और मिलना है, ऐड कीजिएगा डेफिशिएंसी इन मिनिमम प्रॉफिट कितने का, 2000 का। और ये गारंटी दी किसने थी, बी ने, तो ये 2000 रुपए की डेफिशिएंसी बॉन्ड कौन करेगा, बी। हम बी से लेस कर देंगे डेफिशिएंसी इन सी प्रॉफिट, यानी कि ये 2000 रुपया बी से काट लीजिए और सी को दे दीजिए। अब टोटल बैलेंस क्या रहा, ए को 16,000 रुपये मिलेंगे, बी को 14,000 रुपये मिलेंगे और सी को 10,000 रुपये मिलेंगे। ये इस 40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये 40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस साल के लिए, ये ईयर 2009 के लिए। देख लीजिए आप, फिर हम लोग 2010 के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चले आगे हम, चले फिर हम एक और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे फॉर ईयर 2010। फॉर्मेट खींच लीजिए सब लोग फटाफट जरा। PL appropriation account for year 2010. दोस्तों 2010 में हमारा क्या प्रॉफिट था, ध्यान है आप लोगों को, 2010 में जो हमारा प्रॉफिट था वो था 60,000। ठीक है, सबसे पहला काम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करके लाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 60,000। कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं है। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए पार्टनर्स के बीच में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हमारा 2:2:1। आइए जरा 24,000 और 12,000, ये टोटल हो गया 60,000। अब यहां पे क्या हुआ देखिएगा, हमने सी को गारंटी दी थी मिनिमम प्रॉफिट की कितने की, 10,000 की, और एक्चुअल में जो सी को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 12,000। यानी जो हमने मिनिमम गारंटी दे रखी थी आपको उससे ज्यादा मिल रहा है, तो हमें कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई है, कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत हमें यहां पे नहीं है, हम बस नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है, चलिए फटाफट कर लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे।
क्वेश्चन हम लोग लेते हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से ही, और क्वेश्चन है द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 ₹90,000, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 3:1। पार्टनर्स हैं किसी फर्म में जिन्होंने प्रॉफिट को बांट लिया है। प्रॉफिट कितना था हमारा? प्रॉफिट गिवन है 90,000, जिसे कि हमने बांट लिया है 3:1 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब इन एडजस्टमेंट को हमने नहीं किया है, क्या क्या एडजस्टमेंट है? ए एंड बी वेयर एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 1500 ईच पर एनम। हमें सैलरी देनी थी ए एंड बी को 1500 पर एनम, ये हमने नहीं दिया, ध्यान रखिएगा। बी वॉज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 4500, बी को हमें कमीशन देना था 4500 का। आगे कह रहा है बी एंड सी हैड गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू ए। मिनिमम प्रॉफिट जो होगा किसका? ऑफ ए, ये कितना होना चाहिए? 35,000। और ये गारंटी किसने इंश्योर की है? बी एंड सी ने। आगे कह रहा है प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर इन रेशियो ऑफ 3:3:2। और जो प्रॉफिट बटना चाहिए एक्चुअली, वो बटना चाहिए 3:3:2 में, ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव एडजस्टमेंट इन बुक्स ऑफ द फर्म। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है फर्म की बुक्स में। ध्यान रखिएगा यहाँ मिनिमम गारंटी का भी क्वेश्चन है और पास्ट एडजस्टमेंट की भी बात है, क्योंकि आपने पीछे दो गलतियाँ कर दी हैं। एक तो ये सारी बातें, सैलरी देनी थी, कमीशन देना था, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है ए को, ये आपने नहीं किया है। और जो प्रॉफिट बटना था हमारे इस रेशियो में 3:3:2 में, वो रेशियो भी आपने गलत ले रखा है, और आपने उसे गलती से कैसे बांट रखा है? 3:1 में। चलिए शुरू किया जाए, क्वेश्चन क्लियर है सबको? पास्ट एडजस्टमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम करते क्या है। सबसे पहले दो स्टेप में पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। सबसे पहले रिवर्सल एंट्री पास करते हैं, ताकि जो इफेक्ट हो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का वो खत्म हो जाए, और फिर हम प्रॉपर एंट्री करते हैं। तीन पार्टनर हैं, तीन कॉलम आप खींच लीजिए। सब लोग फटाफट फॉर्मेट कीजिए। ओके सबका, चलिए सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, हमने इस 90,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 3:1 के रेशियो में पहले ही। और प्रीवियसली जो भी एंट्री आप पास करते हो पास्ट एडजस्टमेंट का, में सबसे पहले आप क्या करते हो उसके लिए रिवर्सल एंट्री पास कर देते हो, ताकि जो इफेक्ट हो गलत डिस्ट्रीब्यूशन का वो खत्म हो जाए। तो ये ₹90,000 जब दिया गया होगा पार्टनर्स को 3:1 के रेशियो में, तो क्रेडिट किया गया होगा पार्टनर्स को, आप सबसे पहले इसकी रिवर्सल एंट्री पास कीजिए। शेयर इन प्रॉफिट आपने दिया होगा 90,000 का किस रेशियो में? 3:2
वन में। इसकी रिवर्सल एंट्री पास कीजिए, आइए जरा 90,000 को 3:2:1 में आप सब लोग बांटिए। हमने दिया होगा ए को 45,000, हमने दिया होगा बी को 30,000 और हमने दिया होगा सी को 15,000। देते वक्त हमने इन्हें क्रेडिट किया होगा, अब रिवर्सल करना है तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इससे क्या हुआ, जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो खत्म हो गया, उसका इफेक्ट खत्म हो गया। अब हमें प्रॉपर क्या क्या चीजें देनी थी जरा ध्यान दीजिए। हमें सैलरी देनी थी ए और बी को 1500 रुपये पर एनम, कमीशन देना था हमें और वो कमीशन किसे देना था, बी को देना था। ये नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन में, कमीशन देना था हमें बी को 4500। मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट है ए की 35,000 जो बी और सी ने दी है गारंटी, और प्रॉफिट बांटना है इनको 3:3:2। आइए, मतलब तीन चीज़ें हमारे हैं, एक तो हमें देना है सैलरी, एक हमें देना है कमीशन और एक हमें देना है शेयर इन प्रॉफिट, और कौन सा प्रॉफिट, एडजस्टेड। क्वेश्चन में ए और बी को मिलना है 1500 पर एनम, आपको देना है पार्टनर्स को, तो अब आप एक्चुअल एंट्री कीजिए, 1500 रुपये आपको बी को देना था, सॉरी ए को देना था और 1500 रुपये आपको बी को देना था, सी को सैलरी कुछ भी। कमीशन देना है हमें बी को 4500, बी को कमीशन दीजिए, क्रेडिट कीजिए, देना है क्योंकि। अब आइए जरा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है वो निकालते हैं और उस एडजस्टेड प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं वर्किंग नोट की बात करूं, ये चाहें तो आप दिखाएं वर्किंग नोट में या तो नहीं दिखाएं। एडजस्टेड प्रॉफिट होता क्या है, देखिए हमारा प्रॉफिट था 90,000, इसी 90,000 के प्रॉफिट में हमने सैलरी दी है दोनों को ए और बी को, 1500 रुपये ए को और 1500 रुपये बी को, यानी कि हमने 3000 का क्या दे दिया, सैलरी। हमने कमीशन दिया है कितने का, 45। अब जब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं, जो अमाउंट बचता है उसी को तो आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अब आपके पास प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट कितना है, 82,500। हमारे पास प्रॉफिट नहीं है 90,000 का, हमारे पास प्रॉफिट है सिर्फ 82,500। ये होता है आपका एडजस्टेड प्रॉफिट और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में। गलती क्या कर जाते हैं कई बार बच्चे, कि सैलरी भी दे दी, कमीशन भी दे दिया और ये 90,000 के प्रॉफिट को फिर से बांट रहे होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो एडजस्टेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है, 82,500, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो इसका रेशियो होना है 3:3:2, क्योंकि पहले आपने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। आइए 82,500 को हम 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कीजिए,
जल्दी कीजिए, सब लोग कर लिया सबने? चलिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अब जरा आप चेक कीजिए, क्या हमने किसी को गारंटी दी थी? हमने गारंटी दी थी किसे? ए को, कि इसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा? 35,000। और ये गारंटी किसने दी है? बी एंड सी ने। कोई रेशियो गिवन है? नहीं। इसका मतलब किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या ए को 35,000 मिल रहा है? नहीं, ए को सिर्फ मिल रहा है 30,938 रुपीस, जबकि मिनिमम गारंटी कितने की थी? 35,000 की। यानी कि ए को अभी एडजस्टमेंट में 4,062 का, ये इसे एक और मिलना है। अच्छा, गारंटी किसने दी थी? बी और सी ने। और किस रेशियो में? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस 4,062 रुपीस को आप बी और सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो कितना है हमारा बी और सी का 3:2, इस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लेना है हमें बी से और सी से। बी से हमें लेना है 2,437 रुपीस, और सी से हमें लेना है 1,625 रुपीस। ध्यान रखिएगा, ये डेफिशिएंसी का जो एडजस्टमेंट हमने किया, ए को मिलना था मिनिमम गारंटी, हमने क्रेडिट किया, और इन दोनों से लेना था, इसलिए हमने बी और सी को क्या किया? डेबिट किया। इस अमाउंट को डेबिट किया हमने बी और सी के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कितना है? 3:2, क्योंकि गारंटी इन दोनों ने ली थी। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? आइए खत्म करते हैं आखिरी स्टेप। देखिए तो जरा टोटल क्या हुआ। अगर मैं टोटल की बात करूं, 45,000। चलिए सब लोग जरा टोटल कीजिए। देखते हैं, ए का बैलेंस डेबिट साइड है 8,500। बी की बात करते हैं, कौन सा? क्रेडिट, ठीक है। यानी कि अब हमें एंट्री जो पास करनी है, जब हम एंट्री पास करेंगे तो हम क्या करेंगे?
ए को डेबिट करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 8500 से टू बी को क्रेडिट करेंगे 4501 रुपीस से, और सी को क्रेडिट करेंगे 3999 रुपीस। ये एंट्री पास होगी तब जाके पिछली एंट्री का इफेक्ट भी खत्म हो गया रहेगा और प्रॉपर जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया रहेगा। क्लियर है सबको? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप सब लोग मार्क कर लें। कभी भी रिवीजन करना हो तो इस एक क्वेश्चन का रिवीजन आप लोग जरूर करें। इसके अलावा गारंटी में या इस पूरे चैप्टर में जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है, हमारा कोई भी डाउट होता है उस डाउट को आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के जो भी वीडियोस होंगे उन सब वीडियोस का लिंक मैं चैप्टर के हर एक टॉपिक में के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप कोरिलेट करके पढ़ सकें और पूरा चैप्टर आपको एक जगह मिल सके। थैंक यू वेरी मच।